गुड मॉर्निंग। ये देखिए, जैसा कि एक पहले आपने देखा हो कि मेरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो आया होगा, वो सुल्तानपुर रोड पे था। और लेकिन थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं फैजाबाद रोड पे एक प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो ये हमारे विराज भाई हैं, इन्होंने बताया कि एक अच्छी प्रॉपर्टी है आपकी फैजाबाद, हाँ मेन हाईवे पे है। तो उसी प्रॉपर्टी के डिटेल लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, साइट पे आए हैं। बाकी हमारे विराज भाई भी बताएंगे कि इस प्रॉपर्टी में क्या खासियत है, क्या बढ़िया है। चलिए विराज भाई, अब आप थोड़ा सा कुछ हम लोग को और इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि हम लोग को पता चले कि इस प्रॉपर्टी लेने लायक है या नहीं है, इस प्रॉपर्टी में पॉजिटिव निगेटिव क्या है, सारी चीज़ें बताइए। लग्जरियस रिजॉर्ट है ये गोल्डन ब्लॉसम। मतलब आपको इस रूट पे कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ आप कहीं शहर से बाहर जा रहे हैं। टंकी में ही आता है। अच्छा, शालीमार मन्नत जी, शालीमार मन्नत जो है ये फ्लैट है ना, और इसके बाद शालीमार पैराडाइज है। भाई ये पॉलिटेक्निक से कितनी दूर है लगभग? ये पॉलिटेक्निक से 16 किलोमीटर। अच्छा, पॉलिटेक्निक से 16 किलोमीटर है। और क्या इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? प्रॉपर्टी का ये है कि ये मेन फैजाबाद हाईवे पे है। अच्छा अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा हाईवे से एकदम लगा हुआ हम लोग का साइड है। अच्छा। और काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, 250 बीघे का पूरा प्रोजेक्ट है। अच्छा अच्छा। और ये हमारा फेज 1 है, पूरा गेट बना हुआ है, ऐसे ही वॉक थ्रू में हमारा गेट बना हुआ है। अच्छा, ऐसे ही ऐसे ही बनवाया है। और ये जो मेन रोड है वो 60 फीट की रोड है। अच्छा अच्छा। हाँ, और आगे की जो इंटीरियर रोड होगी वो 25 फीट की रोड होगी। अच्छा। और जो मेन रोड रहेगी वो 60 फीट की रोड। अच्छा अच्छा, ठीक है। और बाकी इसमें हम लोग रोड बना रहे हैं, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोल लग चुके हैं, स्ट्रीट लाइट जो है जी, वो अंडरग्राउंड है पूरा, यहाँ से पूरा थर्ड फेज तक। अच्छा, अंडरग्राउंड फेस वॉइस है। हाँ, अच्छा, हम लोग यहाँ फेस वॉइस है, जैसे कि फर्स्ट फेज ये है और इससे थोड़ा सा आगे जब चलते हैं तो मान के चलिए 300 मीटर की दूरी पर। अच्छा। तुम्हारा सेकेंड फेज पड़ता है, उसमें 999 रुपये स्क्वायर फीट में है प्लॉट। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसके बाद थर्ड फेज आता है जो 699 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्लॉट मिल जाएगा। 699, मतलब 700 रुपये से लेके 700 रुपये से लेके 1600 रुपये स्क्वायर फीट तक। 700 रुपये से लेके 1600 रुपये स्क्वायर फीट का मतलब प्लॉट है यहाँ पे। हाँ।
और बेसिकली ये थोड़ा सा बढ़िया इसलिए लग रहा है क्योंकि ये बगल से ही हाईवे देखिए जा रहा है, ये गोरखपुर लखनऊ हाईवे यही है, आप देख रहे हैं ऊपर गाड़ियाँ जा रही होंगी। और लोकेशन जो है तो अच्छा ही है क्योंकि अगर आप गोरखपुर साइड या पूर्वांचल साइड के रहने वाले हैं तो सबसे प्लस पॉइंट तो यही है, पॉइंट रहेगा जो गोरखपुर पूर्वांचल साइड के लोगों के लिए सबसे बेस्ट साइड है ये, क्योंकि मेन हाईवे पे है तो, और बाराबंकी रेलवे स्टेशन यहाँ से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। अच्छा, बाराबंकी 6 किलोमीटर रेलवे स्टेशन, यहाँ कोई नया हाईवे भी सुना है प्रपोज हुआ है? हाँ, नया हाईवे लखीमपुर हाईवे इसी गांव से ही प्रपोज हुआ है अपना। अच्छा, साइड से ही जा रहा है। अच्छा, साइड से लखीमपुर हाईवे के लिए भी है। दो हाईवे के बीच में रहेंगे? हाँ, दो हाईवे के बीच में रहेंगे, जैसे फैजाबाद हाईवे और लखीमपुर हाईवे भी। मतलब तो ये बेनिफिट है कि क्या कहते हैं कि मगर आप यहाँ रहना चाहें तो आप, मुझे लगता है कि 2-3 साल में ये पूरा डेवलप हो जाएगा पूरे तरीके से। डेवलपमेंट धीरे धीरे चल रहा है, रोड नाली है ये सब चीज़ें बन रही हैं, यहाँ से फेस टू तक पूरा बनता हुआ जा रहा है और पार्क भी दे रहे हैं इसमें हम लोग, ग्रीन एरिया भी बहुत काफ़ी छोड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी नया जो लॉन्च हुआ है वो सेक्टर 2 लॉन्च हुआ है, सेक्टर 2, उसमें 1099 रुपये के रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट है वहाँ पे। अच्छा, और काफ़ी अच्छा प्लॉट वहाँ पे निकल रहे हैं सबको। और दूसरी चीज़ ये है कि वो आपने जहाँ से हम लोगों ने कट किया है वहीं से अंदर जाते हैं तो मुश्किल से 300 मीटर डिस्टेंस पे ही हम लोग का वो साइट पड़ जाता है, सेक्टर 2, जन्नत सेक्टर 2 नाम से। अच्छा, जन्नत सेक्टर 2। हाँ, कमर्शियल स्पेस है। अच्छा, कमर्शियल स्पेस भी अवेलेबल है? कमर्शियल स्पेस भी अवेलेबल है ठीक है, जो लोग बल्क में भी चाहते हैं जैसे कि मैरिज लॉन वगैरह के लिए, उसके लिए भी यहाँ पे मिल जाएगा। ये भी अवेलेबल है कि अगर कमर्शियल जा रहे हो शॉप के लिए और शॉप के लिए, कॉलेज के लिए सूट, अच्छा इसके लिए यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब बड़े साइज के प्लॉट भी, बड़े साइज के भी प्लॉट मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि ये देख रहे हैं ये हमारा फर्स्ट फेज है। अच्छा जी। और पूरा डेवलप है यहाँ पे, देखिए रोड नाली वगैरह सब चीज़ें बनी हुई हैं जी जी। और क्या कहते हैं यहाँ पे जिन लोगों ने प्लॉट लिया हुआ है तो बेस्ट चीज़ ये है यहाँ पर, जो लोग प्लॉट ले रहे हैं वो लोग तुरंत पोजीशन मिल जा रहा है, वो लोग अपना बाउंड्री करवा सकते हैं तुरंत। अच्छा, तुरंत पोजीशन है यहाँ पे। जैसे कि हमारे यहाँ सुविधा ये है कि आप पूरा पैसा देते हैं तो आपको एक दिन पहले बाउंड्री हो जाएगी, दूसरे दिन आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं इजीली। अच्छा, काफ़ी साइट्स होती है जिन पे पोजीशन मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। हाँ, ये प्रॉब्लम तो है जो है कस्टमर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जी, ताकि यहाँ पे लोगों को पोजीशन मिल जाए और जिन लोगों ने प्लॉट लिया है उनका अपना प्लॉट मिल जाए और उसके बाद कंपनी की भी टेंशन फ्री और कस्टमर भी टेंशन फ्री। और यहाँ पे काफ़ी पूर्वांचल साइड के लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अच्छे से। जैसे कि गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, मऊ, इस एरिया में जो जितने भी लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पे परचेस किया हुआ है। यहाँ हमारी साइट पे भी बैंक फाइनेंस अवेलेबल है। अच्छा, अवेलेबल है। हाँ, यहाँ हमारी साइट पे भी बैंक फाइनेंस अवेलेबल है। चलिए भाई, आइए आप लोगों को दिखाते हैं आगे प्रोजेक्ट। आगे आप देख सकते हैं काफ़ी साइट, मतलब यहाँ पे बाउंड्रीज हुई है जी जी, और ग्रीन एरिया भी छोड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रिक पोल आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो लगे हुए हैं। अच्छा, ये स्ट्रीट लाइट है जो अंडरग्राउंड है, पूरा अंडरग्राउंड वायरिंग है पूरा साइट में यहाँ पर। अच्छा, पूरे साइट में अंडरग्राउंड, पूरा साइट में हमारे यहाँ अंडरग्राउंड है वायरिंग है। चलिए, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है और बाकी डेवलपमेंट तो हो रहा है यहाँ पे बहुत तेज़ी से, क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग जब गोरखपुर से आते थे तो ये सब सन्नाटा दिखता था, लेकिन अब तो लग रहा है कि बहुत नज़दीक हम लोग शहर के नज़दीक आ गए हैं। शहर से 10-15 किलोमीटर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है किसी भी शहर में, दिल्ली और गाज़ियाबाद में लोग कहाँ कहाँ बसे हुए हैं। अभी तो अभी हमारे लखनऊ की शुरुआत है ये साइट है, और बगल से आपको दिख रहा होगा ये गोरखपुर फैज़ाबाद लखनऊ हाईवे है, ये हाईवे से सटी हुई साइट है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे दिख रहा है। बाकी पोजीशन आपको तुरंत दे दे रहे हैं। अभी हम लोग 12 बजे बस स्टैंड अभी नया स्टार्ट हुआ है। अच्छा अच्छा। वो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। अच्छा, जो यहाँ पे जितनी बड़ी बसें रहेंगी वो वहाँ पे स्टॉपेज है वहाँ पर। अच्छा, 12 बंकी। मतलब ये कि गोरखपुर से आने के लिए आप 12 बंकी भी उतर सकते हैं। 12 बंकी भी उतर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो बहुत बढ़िया है ये, रहने के लिए अभी आपको 2-3 साल का वेट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग वेट करेंगे, इससे पहले ही आके बसना शुरू हो जाएंगे। शहर धीरे धीरे बढ़ रहा है चारों तरफ, लोगों को ऑप्शन नहीं मिल रहा है। देखिए, लोग साइट विजिट के लिए ही आए हुए हैं।
चलिए भाई, जिसको अगर प्लॉट वगैरह लेना होगा, प्लान कर रहा होगा, पूर्वांचल का बंदा है अपने साइट का, अगर वो प्लान कर रहा होगा लखनऊ में एक अपना आशियाना बनाने के लिए, तो ये जगह तो सुटेबल लग रहा है। ये रेरा अप्रूव्ड है ना ये? हाँ, रेरा अप्रूव्ड है, जिला पंचायत से भी अप्रूव्ड है, बैंक फाइनेंस यहाँ पे हो जाएगा। साइड के चारों तरफ का व्यू दिखा दिया। ये बताइए भाई साहब कि क्या कहते हैं कि पॉलिटेक्निक आपने कितना बताया यहाँ से? पॉलिटेक्निक यहाँ से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और बीबीडी से इसका डिस्टेंस जो है वो 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर? हाँ, बीबीडी से 7 किलोमीटर। बीबीडी से 7 किलोमीटर और पॉलिटेक्निक से 16 किलोमीटर। और एक ये है कि ये जो रोड है काफी डेवलप रोड है, इसे सारे आपको लग्जरी गाड़ियों के शोरूम वगैरह सब शोरूम सब कुछ बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज और जैसे फ्लैट के लिए लोगों ने यहाँ पे फ्लैट बनाए हुए हैं। हाईवे पर शालीमार वालों का प्रोजेक्ट है, काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस रोड पे आपको मिलेंगे। जैसे आप पीछे वीडियो में देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं, और 15-16 किलोमीटर बहुत दूर नहीं है आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, और जैसे कि अभी लखीमपुर वाला हाईवे अपनी साइड से निकल रहा है, तो काफी तेजी से यहाँ पे रेट जो है इंक्रीज होगा। इस प्लॉट जितना भी लोगों ने लिया है उन लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। चार बाग कितनी दूर है यहाँ से? चार बाग यहाँ से आपका पड़ेगा 22 किलोमीटर। चार बाग 22 किलोमीटर और पॉलिटेक्निक 16 किलोमीटर। बाकी अगर किसी को शहर में जाना है तब तो ठीक है, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें तो आपको पॉलिटेक्निक तक तो सारी चीज़ें अवेलेबल ही हैं। सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे यहाँ, ये क्या कहते हैं, राम स्वरूप तक, गोयल इंस्टीट्यूट तक यहाँ से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ तक भीड़ भाड़ हो चुकी है काफ़ी। एक नया मॉल भी अभी बन रहा है। एक नया मॉल बन रहा है जो बीवीडी के सामने बन रहा है, क्राउन मॉल। अच्छा, चलिए इतनी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, और एक चीज़ मैं पहले ये बता दूं कि कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस मुझे प्लॉट लेने का मन किया और मैं प्लॉट ढूंढ रहा हूं हर तरफ, जो मुझे प्लॉट अच्छा लग रहा है मैं अब उसका वीडियो आप लोग साथ जरूर शेयर कर रहा हूं, क्योंकि हो सके मेरे इस वीडियो को देखने की वजह से किसी का अपना प्लॉट हो जाए, अपना घर हो जाए, मुझे हो सके दुआओं में लोग याद रखें। बाकी सर काफ़ी मतलब अच्छे हैं, वह इंसान है, और ये प्लॉट बेसिकली फैजाबाद रोड के लिए ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये गोरखपुर से मतलब बिलोंग करते हैं। बस इसीलिए जब चाहिए सर, ये रहा कि गोरखपुर से आते समय रास्ते में उतर जाए, यही घर हो, अपना फैमिली वगैरह को इजीली दिखवा सके। ये है कि मतलब आप हाईवे से उतरेंगे और हमें लगता है कि 2-3 मिनट में आप अपने घर पे पहुंच जाएंगे, यही है प्लानिंग। बाकी देखते हैं, बाकी ज़मीन तो बताए अपनी किस्मत से होता है, और अगर आप लोगों को लेना भी है, अगर कुछ प्लॉट वगैरह के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर वीडियो अगर देख रहे हैं, तो एक बार जरूर इनके पास आइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर नीचे दे दूंगा, आप उससे कोई इंक्वायरी करना चाहें कर सकते हैं। और एक फिर से एक बार कहूँगा मैं कि कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि प्रमोशनल वीडियो पैसा लेके वीडियो बना के उसको मार्केट में पब्लिश करें तो हर प्लॉट मुझे अच्छा लगने लगेगा। ये जेन्युइन एक तरीके से रिव्यू है मेरा, जेन्युइन मतलब जो हम ढूंढ रहे हैं प्लॉट अपने लिए, जो प्लॉट मुझे अच्छा लग रहा है उसका वीडियो बना के आप तक शेयर कर रहे हैं। और बीच में मैंने कई भी प्लॉट भी देखा, लेकिन वहाँ मेरी इच्छा नहीं हुई बनाने की। और ज़मीन लीजिए, सब कुछ देखिए, आपके बजट में आता हो, लीगल हो, हाँ, सब चीज़ों को देख कर आप प्लॉट लीजिए बेसिकली। हाँ, यही चीज़ है कि आप देखिए, पेपर सब कुछ चेक कर लीजिए, सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, क्योंकि ज़मीन लेना मतलब जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, और उसी में अगर आपके साथ कुछ धोखा हो जाए तो फिर सबसे पूरे जीवन की कमाई आप चली जाएगी। पैसा इन्वेस्ट करते हैं इसीलिए, तो इसलिए देख दाख के सब चीज़ें लीगल तौर से भी देख लेते हैं, पता कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ पर है, रेरा अप्रूव है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें देख कर ही आप प्रॉपर्टी को परचेज करें। देखिए भाई, थोड़े से जेन्युइन लग रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अंदर की बातें आप लोग से शेयर कर रहे हैं कि सब कुछ चेक कर लीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करे और वो किसी मामले में ऐसे फंस जाए प्लॉट, उसको प्लॉट भी ना मिले, उसका पैसा भी फंस जाए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि बड़े मुश्किल से मेहनत से प्लॉट लेते हैं, ये पूरे जीवन की कमाई है उसमें। और चलिए ठीक है भाई, बाकी आगे आप लोग को प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल दिखाएंगे, और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और किसी को प्लॉट चाहिएगा तो बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आप मेरा भी नंबर ले लीजिएगा,
और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे अगल बगल आके बस जाएं। चलिए आगे दिखाते हैं आप लोग को। बाय। ये देखिए हम लोग अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर ये गाड़ी लेकर टहल रहे हैं और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, ये डेवलपमेंट स्टार्ट है।